सब सच बताता, कुछ न छुपाता। आईना 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 सबको निहारे, बिगड़ी सवारे। आईना 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 सब सच बताता, कुछ न छुपाता। आईना 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 सबको निहारे, बिगड़ी सवारे। आईना आईना ड्राइवर 22 1 24 सी सी। अपने यहाँ तो शक्ति है नारी, अबला नहीं होता है सर्जनहारी। झांसी की रानी कभी है भवानी, सीता अहिल्या कभी यज्ञसेनी। कथाएं अलग है पीड़ा जताता। आईना 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 भाई चाय पानी पीने 10 मिनट रुकेगी यहाँ पर। आप लोग को ताजुब लग रहा है कि बस औरत चला रही है, लेकिन ये काम तो मैं 25 साल से कर रही हूँ। मेरा नाम जमुना बेन ब्रिजवासी है। मेरी कहानी बहुत लंबी, मैं आपको सुनाती हूँ। चलिए, जमुना, अरे ओ जमुना, सुनती है ना भाई, जल्दी से खाना लगा दे, बड़े जोरों की भूख लगी है। और हाँ, फिर मुझे मीटिंग में भी जाना है। हाँ हाँ, आ रही हूँ आ रही हूँ। पहले पानी तो पी लीजिए, खाना बन रहा है। और ये बताइए, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई, क्या बात है जी? बस खास कुछ नहीं, यूं ही बातों बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। और ये क्या बात है, एकदम शांति नजर आती है, बच्चे दिखते नहीं है, कहीं बाहर गए क्या? खेलते होंगे यहीं कहीं, आ जाएंगे ना अपने आप। पहले ये बताइए आप कि आपको कहाँ जाना है फिर से रात को। अरे तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा। बस यही यूनियन का थोड़ा काम था, सब लोगों से मिलके ये बात करनी थी कि अब मैनेजमेंट से समझौता कैसे किया जाए। अब ये यूनियन की आगेवानी छोड़ो और घर में थोड़ा ध्यान दो तो अच्छा है। देख जब, अब तुझे तो मालूम है मुझे घर पे बैठा रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं। अब तू ही बता मैं क्या करूं। पर घर जल्दी तो आ सकते हो ना,
ये रात रात भर मीटिंग करना, फिर सुबह जल्दी उठ के डेयरी जाना, दूध भरना, डिलीवरी करना, कोई आसान काम है क्या? अरे आप बीमार पड़ोगे तो हमारा कौन? अब आसान हो या मुश्किल, काम तो करना ही है। और फिर जमना, मैं डेयरी में कोई मैनेजर तो हूँ नहीं, हूँ तो एक ट्रक ड्राइवर ही। और यदि मुझे कल कुछ हो भी जाता है तो क्या हुआ? तू तो है ना बच्चों की देखभाल के लिए। हाँ हाँ, जैसे मैं तो यूनियन लीडर बन के घर चलाऊंगी ना। क्यों नहीं, तू भी बन सकती है। मुझे नहीं बनना है कुछ, बनूंगी तो आपकी तरह ड्राइवर या और कुछ। क्या ड्राइवर? तू ड्राइवर बनेगी? नहीं बन सकती हूँ, मैं भी बन सकती हूँ। अरे आपकी तरह कमा के घर भी चला सकती हूँ। अरे छोड़ जमना छोड़, तू अपना घूंघट तो छोड़ नहीं सकती, और निकली हो बड़ी ड्राइवर बनने हैं? अरे तू मानती है उतनी आसान नहीं है हमारे ड्राइवरों की जिंदगी। हाँ हाँ हाँ, देख भी रही हूँ और भुगत भी रही हूँ। और रही बात घूंघट की, वो तो आपके घर की मर्यादा है। ठीक है जमना, चलो आज एक काम करते, तू ड्राइवर बने या ना बने, कम से कम आज तू अपना ये घूंघट उठा दे। देख हम ठहरे यूनियन बाजी वाले, हमेशा समानता की बातें करते, हक की बातें करते, क्यों ना आज घर से ही शुरुआत करें? छी 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 छी, कैसी बात कर रहे हैं आप? फिर से चढ़ा के आए हैं? अरे नहीं रे, तू है फिर मुझे शराब की क्या जरूरत है? चल चल चल, हटाइए घूंघट, हटा दे। अरे मैं कहता हूँ ना, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं ये आप? इतने बच्चों के बाप है फिर भी वैसे के वैसे। कैसे, आपको शर्म वरम नहीं आती है? घूंघट उठाना ही मेरी जिंदगी का एक बदलाव था। जो घूंघट नहीं उठता तो मैं भी एक आम औरत की तरह घर में ही बैठी रहती। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितनी खुशनसीब औरत हूँ, मुझे कितना अच्छा पति मिला है, लेकिन मेरा आदमी भी एक आम इंसान ही था। मुझे दुनिया वालों शराबी अरे जमना, हाँ मर गए साले। अरे जमना रहने तो इधर ही बैठी है। आ गया फिर से पी के, हो गई मीटिंग पूरी आपकी पीने की? बकवास नहीं करने का क्या, बिल्कुल समझ गई ना? आजू बाजू सब सो रहे और मुझे भी नींद आती है क्या? चलो फटाफट खाना परोसो और बिस्तर बिछाओ हमारे लिए, चलो चलो। तू वहीं सोना था ना यूनियन के ऑफिस में, खाना नहीं खिलाया आपको? खाना? अरे जमना वो खुद ही सबके सब साले हराम की खाने वाले, वो मेरे को खाना खिलाएंगे? कितना समझाया, कितना समझाया सालों को, एक एक को पास करीब लाके मैंने समझाया कि नहीं ठहर जाओ, थोड़ा सबर करो और देख देते दो चार दिन, हड़ताल तो फिर भी समेटनी थी, पर नहीं, किसी को भरोसा नहीं है मुझ पे, सबके सब बिक गए जमना, सबके सब बिक गए। बोल अब बस भी करो गुस्सा। क्या क्या गुस्सा क्यों नहीं करूं? अरे सबके सब चोरे बिकावे, अपने साथियों की कोई कीमत नहीं है, उनको कोई ध्यान नहीं देते। अब दुनिया की तो छोड़िए, ऐसे कैसे छोड़ दिया जमना रानी, दुनिया की बात कर दिया। अगर हम दुनिया के नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा हमारे उस गरीब दोस्तों का, कौन सोचेगा तुम? हाँ हाँ, क्या होगा उन गरीबों का, जैसे हम लोग तो बहुत अमीर है ना। कभी कभी घर के हाल के बारे में सोचा है आपने? क्या हर महीने में तुम्हें तनख्वाह नहीं देता हूँ घर चलाने के लिए? बोलो। हाँ वो भी आती,
आपकी दोस्तों में बांटते बांटते जो बच जाता है उसमें से घर का खर्चा कैसे चलेगा? उनको ज्यादा जरूरत थी तो उनको दे दिया। तो एक मिनट, तू कौन होती है मेरे को पूछने वाली? मेरे पैसे मैं कमाता हूँ, मेरी मर्जी। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, अगर फीस नहीं भरेंगे ना तो काट देंगे नाम उनका स्कूल में से। दो दिन चले उतना राशन बचा है, और आप है कि आपको दुनिया की पड़ी है। तो इसमें मैं क्या करूँ, मरूँ? तो मैं भी क्या करूँ, घर तो चलाना पड़ेगा ना। एक तो हम लोग भूखे मर रहे हैं और आप? और मैं सदा पीता यही ना, पीऊंगा हजार बार पीऊंगा। मैं नौकरी करता हूँ, मैं कमाता हूँ, खर्च भी मैं ही करूंगा। अगर तेरे को पैसे कमाने खर्च करने है तो जाना, जाके धंधा करना। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, कुछ शर्म वरम है कि नहीं आपको? मेरे सामने जवान चला गया, मेरे सामने दिखाऊंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। ये बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है मुझसे, मेरे बच्चों के लिए कुछ बन के दिखाऊंगी, समझे तुम? अरे तुझे क्या पता कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है मुझे दिन भर। ओ, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं होती ना। एक दिन, सिर्फ एक दिन घर चला के दिखाइए आप, पता चल जाएगा आपको। काश मैं भी काम करती होती। तू काम करेगी? तू? अरे तुझे काम देगा कौन, बोल कौन देगा तेरे को काम? अरे तू ठहरी अनपढ़ जाहिल गंवार औरत, बात करती है काम करना है। जा जाके देख, हमारे डेरी की गाड़ी चला के देख, फिर तेरे को पता चलेगा। बात करती है एक दिन चला के दिखाऊंगी। दिन रात के झगड़े के बाद उनको मैंने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। उनके भी मन में कोई बात समझ में आई। उन्होंने सोचा कि जो तू ड्राइविंग सीख जाएगी तो अपने दोनों की आमदनी में घर भी अच्छी तरह से चलने लगेगा। वो शाम को जब वो नौकरी पर गए तो मुझे साथ में ले गए और ड्राइविंग सिखाना शुरू किया। किसी को साइड देनी है पीछे वाले को तो दाहिनी ओर का सिग्नल चालू कर दो, वो समझ जाएगा कि साइड मिल गई है। हाँ, एक जमना अगर इतने ध्यान से और लगन से सीखेगी ना, मैं नहीं मानता ज्यादा दिन लगेंगे तुझे ड्राइविंग सीखने में। अरे जमना, फिर तो हम ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लेंगे तेरा। मिल जाएगा मुझे? अरे पक्का पक्का मिलेगा, इतनी अच्छी ड्राइविंग सीख रही है तू। आप मुझे वो सब बता देना जो जो वो पूछेंगे। अरे पक्का पक्का बता दूंगा, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। देखा है जमना, लोग रास्ते में आते जाते ताज्जुब से देखते हैं, ये औरत गाड़ी चला रही है। देखो ये काम कितना मुश्किल है। जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए खूब भागा दौड़ी की, दो तीन बार अर्जी किया लेकिन मेरे को फेल किया, क्योंकि मैं औरत थी। लाइसेंस मिल जाने के बाद अर्जी किया लेकिन उसमें भी नौकरी के लिए मुझे फेल किया, क्योंकि मेरा शिक्षण भी कम था और मैं औरत थी।
अब क्या हो गया है? मेरी ड्राइवर की अर्जी फिर से नामंजूर हो गई। ये तीसरी बार हुआ है, अब क्या कम पड़ गया उन लोगों को? पढ़ाई तो पढ़ाई कर लो ना। अब इस उम्र में कहां पढ़ना लिखना शुरू करूं? अरे वाह, क्यों नहीं, अगर तू ड्राइविंग सीख सकती है तो पढ़ाई भी सीख सकती है। अरे पगली, पढ़ाई नहीं सीखेगी ना तो निकलेगी सोलापुर के लिए और पहुंचेगी कोल्हापुर। घर से निकलेगी बड़ौदा जाने के लिए और नरोड़ा से वापस आएगी। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, हाँ उतना पढ़ना लिखना तो आता है मुझको। ठीक है, मैं आज ही मास्टर जी से बात करता हूँ, तू ना फुर्सत के समय में आगे पढ़ाई किया कर। देखो ये बस की तरह मेरी जिंदगी भी बिगड़ती थी, रुकती थी, चलती थी, लेकिन एक दिन एसटी गुजरात एसटी में मेरे को नौकरी मिल गया। मैं और मेरे पति दोनों साथ में नौकरी पर जाने लगे, बच्चे अपने आप बड़े होने लगे और मैंने भी मर्दों की दुनिया में अपनी जगह बना ली। अहमदाबाद साड़न विरंदाबाद, गाड़ी नंबर 2920, ड्राइवर नंबर 28209। आप क्यों मुंह लटका के बैठे हो? जो एक्सीडेंट हुआ उसमें आपकी तो कोई भी गलती नहीं थी। तेरी बात सही है जमुना, पर दुनिया कहां तेरी और मेरी बात मानने वाली है? मैंने कितनी बार कहा उनसे, कह कह के थक गया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो जीप गलत साइड से आ रही थी, मेरा टैंकर देखकर कुछ पैसेंजर कूद पड़े और मर गए, इसमें मैं क्या करूं? पर आप सब अपने सर पर क्यों ले रहे हो? आपने ब्रेक मारी और आपकी टैंकर पलटी खा गई, आपने थोड़ी मारे थे वो लोग। वही तो, पर ये तो मैनेजमेंट वाले, हमारा डेयरी मैनेजमेंट बहुत मानते ही नहीं मेरी। उन लोगों को तो बस मौका मिल गया, बना दिया मुझे ड्राइवर से हमाल। वो तो आपकी मैनेजमेंट ने बदला लिया ना, इतने साल आपने अपने दोस्तों को संभाला और आज आप सब मैनेजमेंट के चमचे बन गए। अरे भाई धनसुख, चल भाई चल, मीटिंग करनी है। क्यों? अब क्यों आए हो मेरे पास? एक बात समझ लो, मैं अब आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, सबके सब निकम्मे हूँ। अरे यार बुरा मत मान, चल जरा तेरी सलाह कर ली। उठ। अरे यार छोटी सी बात में बुरा लगा दिया, चलो। अरे पर मेरी बात सुनो। अरे पर मैं, अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं मेरी बात? अरे लो आ गए फिर से उनकी बातों में। जब रात को वो यूनियन की मीटिंग पता के घर आए तो मैंने पूछा क्यों बहुत नाराज हो, क्यों मुंह लटका के बैठे हो? तो के देख मेरे दोस्तों ने मेरे साथ यूनियन की मीटिंग में दगा किया और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोने दे। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा खाना खा लो। और खाना खाने के बाद जब सोए रात को 3 बजे, मुझे भर नींद में से उठाया। मैंने कहा क्या हुआ है भाई? तो कि जल्दी अस्पताल ले जा, मेरे को जिंदा देखना चाहती हो तो। मैं उन्हें अस्पताल ले गई, वो 2 दिन अपनी जिंदगी से खूब लड़े और आखिर में मैंने अपना सहारा खो दिया।
जमुना सुन तो जरा। अब क्या है, तुम्हारी कटकट सुनने के लिए मेरे पास और कोई टाइम नहीं है। डेरे के कुछ लोग आए थे, लेकिन तू तो नौकरी पर गई थी। अब बाकी क्या बचा है लेने को? सब कुछ तो लूट लिया है उन्होंने, अब क्या रह गया है लेने को? क्यों, तेरा घर। घर? मेरा घर? मेरा घर ले लेंगे? तो इतने बच्चों को लेकर जाऊंगी कहां मैं? मुझे भी यही चिंता थी तेरी। डेरे के लोग क्वार्टर्स खाली कराने की नोटिस देकर गए हैं। नोटिस? नोटिस थी? किसको दी? मैं तो थी ही नहीं घर पर। शायद तेरे बड़े बेटे राजू ने ली होगी, उसे पूछना। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी मैं? देख जमुना, तू अभी एसटी की नौकरी कर रही है, वहां अपने साहब से क्यों नहीं मांग लेती क्वार्टर्स? और हाँ, तुझे तो वो दे भी देंगे, लेकिन मेरे जैसे पड़ोसन नहीं मिलेगी। सब जगह जाओ, सब वही का वही। एक बात बता सीता, मैं नौकरी कर रही हूँ, इसमें दुनिया को क्या तकलीफ हो रही है? वह तो तू अकेली औरत है ना, इसलिए तेरे साथ ये सब होता है। अकेली हूँ तो क्या हो गया? हाँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ ना, वही दुख है सबको। नौकरी पर जाती हूँ तो वहां के मर्दों की बुरी नजर, वर्दी लेकर जाती हूँ तो वहां लोगों की बुरी नजर, और यहाँ घर पर तुम जैसे पड़ोसी तो बस तैयारी बैठे रहते हैं कुछ न कुछ सुनाने को। पता नहीं क्या हो गया है सबको। लो भाई, तेरी भलाई की बात कर रही है और ऊपर से तुम मुझे ही ताने मार रही है। हाँ हाँ, सबको बस मेरी ही भलाई की लगी पड़ी है। जब जरूरत थी मदद की तब तो कोई आया नहीं। देख, तू अकेली औरत है इसलिए हम तेरी देखभाल करते हैं। अकेली? अकेली औरत, बस उसी का फायदा उठाना चाहते हैं सब। मैंने ऐसा कब कहा? तू तो हर बात पे लड़ने लगती है। ठीक है, तेरे से तो बात ही नहीं करूंगी। क्यों? अभी तो तूने कहा ना कि मेरा साहब मुझे नया घर दिला रहा है। मैं अकेली औरत हूँ इसलिए। अरे नहीं नहीं, वो तो उनकी अच्छाई की बात कर रही हूँ मैं। देख सीता, इतने सालों से सबकी अच्छाई, सबकी भलाई और सबकी हमदर्दी देख रही हूँ मैं। सबकी अच्छाई का मतलब खूब समझती हूँ मैं। तो फिर अब क्या करेगी तू? आज तक तो अपने पैरों पर खुद खड़ी रही हूँ। बस मेरे बच्चे बड़े हो जाए तब तक तो जी लूंगी अपने आप। हाँ भाई, तू हमारी तरह थोड़ी है, तू तो नौकरी करती है ना। नौकरी करती हूँ मर्दों की दुनिया में, इसीलिए उनकी जुबान में जवाब देना भी आता है उन्हें। पता है जमुना, पूरा भरोसा है मुझे तेरे पर। इसीलिए सब ताक लगा कर बैठे रहते हैं ना कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। उधर बस चलाती हूँ तो मुसाफिर मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए 5 साल से सामान और सुएज की ट्रक चलानी पड़ रही है मुझको। मैं थक गई हूँ सीता, मैं बहुत थक गई हूँ, पर मैं हारूंगी क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। ये डंडा मैं मेरी हिफाजत के लिए रखती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि जो ये एसटी की गाड़ी लेके आ रही थी तो ये असामाजिक तत्व बोले औरत गाड़ी लेके जा रही थी। एसटी की गाड़ी में एसटी की केस थी, ऑफिसर थे, उनको लूटना चाहते थे, और ये डंडे ने हमारी हिफाजत ऐसी की कि केस भी बच गई और मेरी नौकरी भी बच गई। कथाएं अलग है पीड़ा जताता। आईना आईना आईना,
आईना आईना आईना। इज्जत पाई और स्टाफ में एक अच्छे कर्मचारी की तरह मेरा स्थान पाया, ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए जगह दे और मुझे भी एक आत्मविश्वास है कि स्त्रियों के लिए मैंने एक प्रेरणा रूप काम किया। बच्चे स्कूल जाते थे तो दूसरे बच्चे उनको चिढ़ाते थे, तेरी माँ ड्राइवर है, पैंट शर्ट पहनती है, अच्छी औरत नहीं है, हमारे साथ नहीं बैठने का। इसके लिए वो बच्चे बोलते थे कि मम्मी हम नहीं जाएंगे स्कूल पर। उसके बाद मैंने हॉस्टल में रखे तो हॉस्टल में 8-9 चौपड़ी तक पढ़ सके। सब सच बताता, कुछ न छुपाता, आईना आईना आईना।